अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो, ये जो रिपोर्टेड स्पीच वर्ड जो वो आपको बताया जा रहा है टॉपिक है, इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बता दिए। इसके बाद में देखो, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इनको किस तरीके से करना है। तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब इम्पेरेटिव सेंटेंसों को किस तरीके से बदलना है। इम्पेरेटिव सेंटेंसों में मतलब देखो, जैसे रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसमें मेन बात है वाक्य का भाव है वो बता दिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं। जैसे ये पहले भी आपको बताया, लेकिन फिर भी देखो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। यानी ये सलाह, सुझाव, आदेश, सलाह है, सुझाव, आदेश, अनुरोध का जो भाव प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं ना, अनुरोध का भाव प्रकट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको इंपेरेटिव बोलते हैं। अब ये जो वाक्य होते हैं उनको किस तरीके से, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलना है, ये देखो। इनमें जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा कि जो लिखा होगा सेट टू, ये जो सेट टू है इसको क्या करना है कि सेट टू को बदलना होता है। नंबर एक पहली बात देखो, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में सेट टू को रिक्वेस्टेड में कब बदलना आ जाता है, जब उस वाक्य में अनुरोध यानी प्रार्थना का भाव हो। अनुरोध यानी प्रार्थना, कोई चीज मांगी गई है, उस वाक्य में क्या करना है कि सेट टू को चेंज कर देना है रिक्वेस्टेड। नंबर दो, ये जो सेट टू है इस सेट टू को चेंज करना है ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड में कब करना है, जब आदेश यानी हुक्म दिया गया है, हुक्म का भाव, तब क्या किया जाता है कि सेट टू को ऑर्डर में बदल दिया जाता है। इसके बाद सेट टू है, सेट टू को बदलना है आपको फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में कब बदलना है, जब मना करने का भाव, मना करने का भाव, यानी सेट टू है, सेट टू को चेंज करना है रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड में कब बदलेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला अपना वाक्य है उसमें क्या हो, किसी भी चीज का, किसी चीज का अनुरोध किया गया हो, यानी कोई चीज है वो मांगी गई हो यानी प्रार्थना की गई हो, तब उसमें क्या करना है, सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। सेट टू को बदलना है ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड में कब बदलना है, जब आदेश या हुक्म का भाव दिया गया हो, यानी किसी भी प्रकार का कोई आदेश अगर दिया गया है तो वो क्या होगा कि सेट टू को ऑर्डर में बदलना है। सेट टू को बदलना है फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में कब बदलना है, यानी उसमें क्या हो कि मना करने का भाव, अगर मना करने का कोई भाव प्रकट किया गया है तो उसमें क्या कर देंगे, फॉरवर्ड दे देंगे। इसी तरीके से जो सेट टू है इस सेट टू को चेंज करना है एडवाइज में। अब ये एडवाइज है वो कब करना है, यानी किसी भी प्रकार की सलाह दी गई, सलाह का भाव। अब ये इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसों में रिपोर्टिंग वर्ब वाली
जो यानी सेट टू है इसको क्या करना है, रिक्वेस्टेड में बदलना है, सेट टू को ऑर्डर्ड में बदलना है, सेट टू को फॉरवर्ड में बदलना है, सेट टू को एडवाइज में बदलना है। ये इस तरीके से जो बदलेंगे वो वाक्य के भाव के अनुसार बदलेंगे। प्रार्थना का भाव हो तो रिक्वेस्ट में, आदेश का भाव हो तो ऑर्डर्ड में, मना करने का भाव है तो फॉरवर्ड में, और अगर सलाह देने का भाव है तो इसमें क्या करेंगे, एडवाइज में। इस तरीके से ये जो वर्ब है वो बदल दी जाएंगे। अब वो जो दिया हुआ रिपोर्टर स्पीच वाला वाक्य है ना, उसको देख रहे हैं आपको कि उसमें किस तरीके का भाव दिया गया है। वाक्य को पढ़ने से पता लग जाएगा कि उसमें अनुरोध किया गया है, आदेश दिया गया है, या मना करने का भाव है, या किसी भी प्रकार की सलाह सुझाव का भाव है। तो उसी के अनुसार वाक्य के भाव के अनुसार ही सेट टू के स्थान पर ये बता देंगे। नंबर एक बात ये होगी रिपोर्टिंग वर्ब वाली। अच्छा, फिर उसके बाद में नंबर दो, इसमें कनेक्टिव है वो क्या करना है, यानी कनेक्टिव है वो अपने को लगाना है, इसमें कनेक्टिव लगाना है टू, टी ओ टू। कनेक्टिव है वो क्या करेंगे, कनेक्टिव लगाएंगे टू। जैसे पहले आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव जो सेंटेंस है उनमें तो कनेक्टिव क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए उनमें इफ या वेदर लगाते हैं, और जो डब्ल्यू एच वर्ड से बने उनमें क्या करते हैं, वही डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिव लगाते हैं। लेकिन ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगाना है अपने को, कनेक्टिव लगाना है टू, कनेक्टिव लगा देंगे टू। इसके बाद नंबर तीन, यानी जो बाकी बातें हैं, यानी जो प्रोनाउन बदलने वाली बात है, या फिर कोई प्रोनाउन है वो क्या करने हैं कि अन्य सेंटेंसों की तरह ही बदलने, तरह बदलने। अब इसमें क्या होगा कि जैसे टेंस वाली बात है तो कनेक्टिव है वो टू लगा देंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसों में क्या होता है, सब्जेक्ट होता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें सीधी क्या आती है, मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, इसलिए टेंस चेंज वाली बात भी इसमें नहीं होती। तो इस तरीके से यानी ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इनमें वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के स्थान पर तो इस तरीके से बदलना है, कनेक्टिव है वो टू लगाना है, और जो प्रोनाउन है वो बाकी वाक्यों की तरह ही बदलने हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे ये बताया ना कि सलाह सुझाव आदेश अनुरोध का भाव प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं, और वैसे अगर कोई बात समझाना है तो सीधी सी बात है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से थे कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य, सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। यानी कहने का मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो वो क्या होगा, इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव सेंटेंसों में जो भाव है उसको देखना है, और उसी भाव के अनुसार ही सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर्ड है, फॉरवर्ड है, एडवाइज है, इनमें से लिखना है। कनेक्टिव है वो टू लगाना है, प्रोनाउन है वो अन्य वाक्यों की तरह बदलने हैं, और जो समय और दूरी वाली कोई अगर एडवर्ब आई है उसको भी अन्य वाक्यों की तरह ही बदलना है। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल देखो इस तरीके से इनको करना है। जैसे ये एग्जाम्पल है, अच्छा जैसे ये लिखा है कि मदर सेड टू सन
मदर सेड टू सन, यानी कि माँ ने बेटे से कहा रेस्पेक्ट द एल्डर से कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये मतलब क्या है कि जैसे ये जो सेंटेंस है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है, मेन वर्ब आई है सीधी। और ये स्पष्ट पता चल रहा है कि ये सम्मान करने की बात हो रही है, तो एक प्रकार की सलाह दे रही है, यानी कि सलाह देने की बात है। तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि मदर सेड टू की जगह क्या है, एडवाइस, एडवाइस दे सन। अच्छा अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये हटा देंगे और कनेक्टिव क्या लगा देंगे, टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट और द एल्डर और कुछ। इस तरीके से नहीं है, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल दिया। अब देखो जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे ये लिखा है कि फादर सेड टू सन डॉट प्ले ऑन द रोड। अब जैसे ये लिखा है कि फादर सेड टू सन, यानी पिता है उसने बेटे से कहा कि डोंट प्ले ऑन द रोड, कि सड़क पर है नहीं खेलना चाहिए। तो वैसे तो जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट है, डोंट से पता लग रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारी गई ये बात, मना किया गया है, तो फॉरवर्ड लगा देंगे। और वैसे ये सलाह भी दे रहा है कि सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे कि फादर मना करने का भाव है तो लिख देंगे फॉरवर्ड, फादर फॉरवर्ड सन ने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। अब ये डोंट है, डोंट का मतलब होता है मना करना, तो यानी डोंट का मतलब क्या होता है, मना करना, नहीं चाहिए। और ये सेम अर्थ देने वाला ये जो शब्द है इसका मतलब ये मना करना ही होता है। ये सेम अर्थ देने वाली जो बात है वो फॉरवर्ड में आ गई, इसलिए डोंट को हटा देंगे, क्योंकि ये अर्थ सेम अर्थ देने वाली जो बात है वो फॉरवर्ड में आ गई, इसलिए डोंट हटा देंगे। तो फादर फॉरवर्ड सन टू, डोंट हटी गया, ये आ जाएगा प्ले ऑन द रोड। इस तरीके से ये इस तरीके से वाक्य है वो अपना कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें जैसे इस वाक्य को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड की बजाय जैसे कि मना करने का जो बात है वो एक प्रकार की क्या हो गई, सलाह हो गई कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो सलाह के भाव के अनुसार भी इसको किया जा सकता है, जैसे इस तरीके से भी किया जा सकता है। यह देगा फादर एडवाइस सन, यानी कि पिता है वो बेटे को क्या सलाह दे रहे हैं कि सड़क पर नहीं खेलना है, तो एडवाइस दिखा है। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो यह देगा फादर एडवाइस सन नोट। अब यहां कनेक्टिव लगा देंगे टू, मेन वर्ब प्ले लिखी है, प्ले की प्ले ऑन द रोड, ये इस तरीके से। ये यहां फॉरवर्ड लिखा है, यहां एडवाइस लिखा है, बात एक ही है, यानी कहने का वाक्य का भाव वही रहना चाहिए, उसी अनुसार फॉरवर्ड लिखो या एडवाइस लिखो। एडवाइस डोंट वाले सेंटेंस में एडवाइस लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एडवाइस अगर लिखा है तो ये जो नोट वाला अर्थ है वो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ बना रहा है, नेगेटिव अर्थ देने के लिए नोट यहाँ लगा रहा है। डोंट वालों में अगर फॉरवर्ड लगाते हैं तो जो डोंट शब्द है इसका अर्थ ही फॉरवर्ड होता है, तो ये फिर क्या है कि यानी इसमें फिर नोट नहीं लगाना है, फॉरवर्ड लगा दिया तो नोट नहीं आए, क्योंकि ये तो दोनों सेम अर्थ देने वाले वाक्य है। इसके बाद में देखो एक दो एग्जाम्पल और, जैसे ये लिखा है कि टीचर सेड टू स्टूडेंट
इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, अच्छा अब जैसे ये टीचर है ये स्टूडेंट है, टीचर है वो क्या है कि एक प्रकार की सलाह दे रहा है, सलाह का भाव है इंप्रूव योर हैंड राइटिंग की अपनी लिखाई सुधारो, तो एक प्रकार का यानी कि उसे सुझाव है, तो क्या करेंगे ये लिखेंगे टीचर एडवाइज स्टूडेंट कोमा इनवर्टेड कोमा हटा देंगे, कनेक्टिव क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव डल जाएगा टू, इंप्रूव का जाएगा इंप्रूव, अब यहां लिखा हुआ है योवर, योवर है वो क्या है सेकंड पर्सन है किसके अनुसार स्टूडेंट के अनुसार, स्टूडेंट के अनुसार लिखेंगे तो योवर है वो पजेसिव है, स्टूडेंट के लिए पजेसिव लिखा जाएगा, स्टूडेंट है वो पुलिंग में भी स्त्रीलिंग में भी इसलिए हिज या हर, तो यह जाएगा कि टीचर एडवाइज स्टूडेंट टू इम्प्रूव हिज हर हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग इस तरीके से, जैसे एक जो एग्जाम्पल और देखो ये क्या है कि मास्टर सेड टू सर्वेंट क्लीन माय रूम, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में लिखेंगे क्या लिखेंगे मास्टर का मास्टर सेट टू की जगह क्या है यानी मालिक है वो नौकर से क्या करे कमरा साफ करने की बात करे, तो यानी एक प्रकार का ये आदेश है, आदेश है तो क्या देगा सेट टू की जगह क्या लिखेंगे ऑर्डर, मास्टर ऑर्डर ए सर्वेंट टू क्लीन ए, अब यहां लिखा है माई, माई है वो कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन वो क्या करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का मतलब यानी मास्टर के अनुसार, तो ये माई है वो क्या है पजेसिव है, मास्टर के लिए पजेसिव है वो लिखेंगे पजेसिव, क्या लिखा जाएगा हिज लिखा जाएगा, अब हिज है वो इस सर्वेंट के लिए भी लिखा जा सकता है मास्टर के लिए भी लिखा जा सकता है, इसलिए हिज के साथ में लिख देंगे मास्टर और रूम का जाएगा रूम, इस तरीके से यानी कि ये जो मतलब है सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा अब इसके बाद में देखो एक दो एग्जांपल और है, इम्पेरेटिव सेंटेंसों में जैसे ये लिखा है कि डॉक्टर सेड टू पेशेंट डोंट यूज शुगर, यानी डॉक्टर है वो पेशेंट पेशेंट से कह रहे हैं तो ये हो जाएगा डॉक्टर है एडवाइज
यानी डॉक्टर है वो एक प्रकार से पेशेंट को क्या करता है कि सलाह देता है क्या, यानी कॉमेनेटेड को हटा दें, कनेक्टिव लग जाएगा टू, यानी नेगेटिव सेंटेंस है ना ये डोंट, तो एडवाइस दिखाए तो आ जाएगा नोट, नोट टू यूज ए और सुगर, इस तरीके से हो जाएगा हर पुरुष का। जैसे एक दो उदाहरण और देखो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे ये दिखा है कि मदर सेड टू सन मदर सेड टू सन टेक ए एक्सरसाइज डेली। तो ये क्या है कि मदर है वो एक प्रकार की सलाह दे रही है, तो क्या जाएगा मदर एडवाइस सन टू टेक एक्सरसाइज और डेली, इस तरीके से। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि ये वाक्य हो गया। अब एक तो एग्जांपल और देखो, जैसे ये है कैप्टन ए सेट टू सोल्जर्स गो अहेड। अब क्या है कि ये कप्तान है वो सैनिकों को आदेश दे रहे हैं, तो क्या जाएगा कैप्टन सेट टू किस आ जाएगा ऑर्डर सोल्जर्स कॉमेनेटेड को हटा दें, कनेक्टिव लग जाएगा टू, गो का जाएगा गो और अहेड का जाएगा अहेड हर कुछ। तो इस तरीके से क्या है कि यानी वाक्य के भाव के अनुसार जिस प्रकार से वाक्य का जो भाव होता है उसी के अनुरूप है मतलब इसको वाक्य को चेंज करना होता है। तो इस तरीके से ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है इनको आपको करना है। अब इनमें कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनमें क्या करना है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें क्या होता है कि चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई वाक्य हो उनमें उन वाक्यों में टेंस वगैरह वो नहीं बदलते। तो टेंस से नहीं बदलने वाले वाक्य कौन से होते हैं कि देखो जैसे कुछ वाक्यों में टेंस है वो नहीं बदलने, तो टेंस कौन से वाक्यों में नहीं बदलना होता है। नंबर एक पहली बात, टेंस से चेंज नहीं होने वाले सेंटेंस। अब ये टेंस है वो मतलब क्या है, कौन कौन से वाक्यों में नहीं बदलना है। नंबर एक पहली बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, आरबी का रिपोर्टिंग वर्ब केवल पास्ट टेंस में होने पर ही रिपोर्टर स्पीच का टेंस बदलना है। अन्यथा नहीं, यानी अगर किसी अन्य टेंस में, यानी कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या हो, प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट उसमें फ्यूचर टेंस में हो, तो क्या होगा रिपोर्टर स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा।
जैसे देखो ये एग्जांपल है, ये लिखा है कि रमन सेज टू हरीश, माई फादर डज नॉट लव यू, ये लिखा। क्या लिखेंगे? रमन का लिखेंगे रमन। अब यहां लिखा है सी, सेज टू लिखा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या जाएगा? सेज टू को बदल देंगे टेल्स में, हरीश कोमा यूनाइटेड को हटा दें, कनेक्टिव क्या लग जाएगा? डेट लग जाएगा। ये क्या है? पहला पर्सन आता है माई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार यानी रमन के अनुसार, माई पजेसिव है, रमन का पजेसिव लिखेंगे तो क्या जाएगा? हिज, यानी ये हिज किसके लिए आया? रमन के लिए आया। अब यह नाम लिखा है क्योंकि हरीश और रमन दोनों के लिए हिज लिखा जाएगा, इसलिए स्पष्ट करने के लिए कि रमन के लिए आया ये हिज। अच्छा, फादर का फादर, अब इसमें क्या है कि जैसे ये लिखा हुआ है डज, तो ये डज है वो प्रेजेंट टेंस में है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी क्या है? प्रेजेंट टेंस में, इसलिए ये जो टेंस है वो इसका चेंज नहीं होगा। डज का डज लिखेंगे, नोट का नोट लिखेंगे, और नाउ का नाउ। अब ये आ गया यू, यू है वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? हरीश है। यू या ऑब्जेक्ट है तो हरीश का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? हिम लिखा जाएगा। ये हिम किसके लिए आया? ये आया हरीश के लिए। इस तरीके से यानी वाक्य बन जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि टेंस चेंज ने होने वाली जो कुछ बातें है वो फिर आपको आगे नेक्स्ट पीरियड में बताई जाएंगी, और कुछ बातें जो इससे संबंधित रह गई हैं वो आगे नेक्स्ट पीरियड में बताई जाएंगी आपको।